सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। और मैं आपका अपना मंजीत यादव आज आपको एक मिल्किंग वीडियो दिखा रहे हैं। जैसा कि एक शानदार जो जोटी एपी बाई के फार्म से दिखाई थी उसकी मिल्किंग लेके आ रहे हैं। तो अभी मिल्किंग है बच्चा जो जोटी पसमाओं पे आ चुकी है। आप वीडियो को देखते रहें ताकि संपूर्ण वीडियो के जरिए हम इसकी मिल्किंग आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो पशुपालक इस कवरेज को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की कोई भी नई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अभी मिल्किंग है वो स्टार्ट कर दी गई है। जैसा कि इन्होंने बताया था कि बिल्कुल सॉफ्ट चुआई की है और वो आपको अभी देखने को भी मिलेगा कि कितना दूध निकालती है और कैसी चुआई, कैसा स्वभाव, साथ में कटड़ी है। बाकी जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो पेज को भी लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें ताकि अच्छे जो पशुधन की वीडियो है वो पशुपालकों तक पहुंचे। दूसरे ब्यात की जोटी और इसका जो बात करें इसके जो अडर की, मतलब कोई भी माइनस इस जोटी में हमें देखने को नहीं मिला। जितना अनुभव है चाहे वो सींग की बात करें, शरीर की, साइज की या थन अडर की, ये इस तरह के पशु काफ़ी कम आपको मिलेंगे जिनमें हर तरह की सफाई शरीर में और साथ में कटड़ी है, तो बहुत बेनिफिट की बात होती है। थोड़ा इस साइड आ जाओ, एक बार आपको देखिए, करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे। जो चुआई है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और अडर में जो नसें, जो पहले हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो ये लक्षण देख के पशु लेते थे कि दूध वाला चीज़ें होनी चाहिए, वो इस पशुधन में हैं। थनों का जो पसमाओं पे और भी सुंदर थन निकाला है इसने और कुछ ही देर में आपको मिल्किंग करके कंप्लीट दिखा दी जाएगी। बिल्कुल शांत स्वभाव की। और दूसरी जो पशुपालक, काफ़ी भाइयों के फ़ोन आते हैं कि ब्रीडिंग पर्पज से भैंस चाहिए, तो ज़रूरी नहीं कि 20-25 किलो वाली से ही ब्रीडिंग हो। आप मान के चल सकते हैं 16-17-18-15-15 वाली पे भी आप कर सकते हैं। अगर अच्छे सीमन कलेक्ट करवाएं, अच्छे जो रिकॉर्ड वाले बुल हैं उनसे अगर प्रेग्नेंट करवाते हैं भैंसों को, तो अच्छे काफ हम ले सकते हैं। कटड़ी की टैल में भी कुछ ही बाड़ वाइट हैं और जो जोटी है उसकी टैल भी लगभग 2 इंच वाइट होगी, बाकी बाड़ की लंबाई है। ये देखिए इनका जो गांव है मांगावास, डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा से, लगभग आप मान के चल सकते हैं कि बेरी से इनका गांव है वो मुश्किल से 5 किलोमीटर होगा। अच्छे पशु रखते हैं, बार बार वीडियोज के जरिए जितने भी पशु दिखाए हैं, बीच बीच में मिल्किंग भी करवाते हैं और अच्छा पशु सिलेक्शन करते हैं। अपनी तरफ से कोई भी बिक्री का काम करने वाला वैसे गलत पशु का सिलेक्शन करता ही नहीं, सभी अच्छे ही पशु खरीदने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर जो जिसको बेचना है वो पशुधन हमेशा साफ सुथरा लेने की कोशिश करेगा। ये देखिए, ये देखिए चुआई और साथ में जो स्वभाव है इसका वो भी काफी अच्छा है। वैसे भाई बिक्री का काम करते हैं लेकिन चुआई वाली समस्या सबसे भारी है। सबको दूध इतना खास निकालना नहीं आता और पशुधन का जितना जल्दी दूध निकलेगा ना उतना ही आप मान के चल सकते हैं कि हमने ये चीज़ खुद अनुभव किया है कि जो पशु का जल्दी दूध निकलेगा वो ऑटोमेटिक ज़्यादा दूध देगा। जैसे इन्होंने बताया कि चुआई में अगर कोई भी माइनस निकालता है तो डबल पेमेंट वापस देंगे और भैंस को भी वापस ले लेंगे अगर छर्रा हो या किसी तरह टाइट चुआई हो। और दूध निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, आप देखिए काफ को आगे बांधे, अभी इनके फार्म पे आए, इसको दूसरा ही दिन है फिर भी आप देख सकते हैं बच्चे को आगे बांधने के बाद भैंस किसी तरह की, मैं कहूँ, कोई भी बकवास नहीं कर रही, बिल्कुल शांत भाव से खड़ी है। काफ़ी भाई हैं दूर बांध देते हैं फिर वो भैंस थोड़ा इधर उधर हो तो परेशानी का विषय बन जाता है।
हैप्पी भाईदाने में क्या क्या दे रहे हो? ऐसे दो ही दिन हुए वैसे तो, पर बाकी अपने यहाँ पे क्या क्या डाल रहे? तो ये लगा लो आप आधा किलो तो गुड़ डेली। अच्छा, और बिंदोले की खड़, गेहूं का दलिया, चने का छिलका। खाने पीने में ऐसी है भाई, डालने वाला होना चाहिए, जितना डालो उतना ही निकाल लो। जी जी जी, पशु का तो भाई यही है कि जितना खाएगा उसी हिसाब से निकालेगा। कोई भाई पशु ज्यादा हो जाते हैं, ये मान लो आप नॉर्मल जो डाइट होती है वो, और किसी भाई को ये वहम हो कि भाई व्यापारी ये कर देते हो, कैल्शियम और ये जो सुओ से इनसे दूध नहीं निकलता भाई। बिल्कुल, दूध वाला पशु ही दूध देगा, और दूध है दाने में। ये सब बहम है कि कैल्शियम, ये दुकानदारी चलाने वाली चीजें हैं, सब आप अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर दूध का दम पशु में होगा तो दाने में ही दूध है, जितना दाना खाएगा। ये नहीं कि भाई प्रोडक्ट नहीं दिए, प्रोडक्ट दिए भी हैं, 500-500 की बोतल कैल्शियम की, मेरा तो 2-2 किलो तोड़ दिया उन्होंने, कोई बढ़ाने की गुंजाइश नहीं। पशु के साथ जबरदस्ती कुछ नहीं, बस नॉर्मल लीवर टॉनिक तो देने चाहिए मेरे हिसाब से। लीवर 52 होगी, टॉनिक प्रोटोन प्रोटोन ये हाँ, थोड़ा मोड़ा 150 ग्राम दे दो, नई जगह पे आके दिक्कत ना करे। एक दो दिन में दाने पे लग जाए, पशु दाना है वो अच्छा दाना दे ताकि ज्यादा दूध निकाले। कुछ भाई फोन करते हैं कि हमारी भैंस पिछली बार 12 दे रही थी, अब की बार 10 दे रही है। इस चीज का कोई कारण है? जो उसके शरीर में किसी चीज की कमी होगी तभी वो कम देगी, बाकी समय समय की भी बात है। 20 किलो वाली दूसरे ब्यांत में, अगले ब्यांत में हमने देखा है 12-13 किलो पे रह जाए। दूध का है तो किस्मत का है, कुछ खिलाने पिलाने का, सेवा और किस्मत। कुछ ही देर में मिल्किंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपको दूध है वो माप के दिखा दिया जाएगा। बिल्कुल शांत वहीं की वहीं खड़ी है। और इनका जो भाई इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहता है, इनका मोबाइल नंबर जरूर आपको रेगुलर स्क्रीन पे चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और हमेशा इनके पास पशु रहते हैं। कोई भाई ये नहीं कि वीडियो देख के ये सोचे कि अभी वीडियो में एक पशु दो पशु हैं तो यही होंगे। बिक्री का काम करने वाले काफी ऐसे हैं जो पशु लेके आते रहते हैं और पशु आते जाते रहते हैं। एक बार खाने दिखा दो, किलो दूध कम से कम बच्चे के साथ कोई वो ना इंसान। ये देखिए, छोड़ दो, उठा ले, कटड़ी के लिए दूध छोड़ दिया है क्योंकि कुछ पशुपालक हैं यही ना आप लोग, उनको दूध का लालच होता है जो बच्चे को नहीं पिलाते, जबकि बच्चे ने जन्म लिया उसके बावजूद ही दूध निकालना जो। कई भाई पूरा निकाल के करके भाई किलो छोड़ दिया था, किलो ये थोड़ा बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, करो आप नपाई करो एक बार। बाकी जब भी वीडियो बनती है ना, पशु मेरे हिसाब से हैप्पी भाई थोड़ा बहुत कम ही देता है क्योंकि इधर उधर घुमाना परेशान, पशु भी परेशान होता है वीडियो में, खोल के दिखाना नया बंदा देख के थोड़ा। मेरे हिसाब से तो 80% ऐसे पशु हैं जो कम दूध करते हैं, आधा किलो किलो भाई झोटकी ऐसी जैसे 20 आदमी बैठ के निकाल लो दूध, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बिल्कुल, वहीं की वहीं खड़ी, पैर भी नहीं लाया इसने। और दूध हो जाए 12 बार और तड़वा लो, इतने धाग नहीं है पूरा बदल। कोई नहीं, आप कर दो ना पाई कर दो, अभी नाप के दिखा दिया जाएगा। जितना भी है बच्चे के लिए भी छोड़ दिया गया है तो आप काउंटिंग साथ में जरूर करते रहें ताकि पता चल जाए। 2-3 4-5-6
साथ आठ और ये देख सकते हैं आप आधा किलो मान लो भाई। हाँ 8:30 मान लो आप, और कुछ बचेगा इतना 10-20 मिनट लेट भी हो जाते हैं वीडियो के लिए आने में, तो कोई भी भाई बाकी देखना चाहे वो चाहे यहाँ आके देखे, ऑनलाइन देखे, ऑफलाइन देखे, वो उसकी इच्छा है। 15+ बोल रहे भाई। 16-17 ना मिले तो जी जी। तो आप भाइयों को वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको दूध है वो दिखा दिया गया, चुवाई दिखा दी, भैंस का स्वभाव आप देख सकते हैं, और बार बार वीडियोज के जरिए हम आपको पशुधन दिखाने का एक माध्यम मात्र हैं, जिसमें रूटीन से वीडियोज आपको दिखाते रहते हैं। सभी भाइयों को मेरी तरफ से वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।